नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पीएससी अड्डा पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में और आज की जो हमारी ये दूसरी क्लास है जिसमें हम जानने वाले हैं कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना है यानी कि भारत की जो नेचुरल रूप से किस प्रकार से निर्माण हुआ है या फिर उसमें चट्टानों का किस प्रकार से योगदान है, तो वो हम जो है इसमें आज इस सेशन में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो बिल्कुल NCERT पर बेस्ड हैं ताकि जो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाए और जो बिल्कुल बेसिक्स होता है उसको हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल जो हम बेसिक्स से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करें कि जियोग्राफी के अकॉर्डिंग तीन टाइप्स की चट्टानें होती हैं। ठीक है, पहली होती हैं आग्नेय चट्टानें, दूसरी होती हैं अवसादी चट्टानें और तीसरी हैं रूपांतरित चट्टानें। तो दोस्तों, जो जियोग्राफी के अकॉर्डिंग पूरे पृथ्वी पर जितनी भी चट्टानें हैं उनको इन तीन रूपों में जो है बांटा गया है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। अब इन चट्टानों का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है पूरी पृथ्वी का जब सृजन हुआ था, यानी कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जब सूर्य जो है एक आग का गोला था तो उस आग के गोले से कोई पिंड जो है टकराया, जिसके कारण एक सभी जो है ग्रह जो है अलग अलग हुए और उसके बाद क्या हुआ कि पृथ्वी भी उनमें से एक निकली। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में पृथ्वी सूर्य से अलग होती है तो वो एक आग का गोला होती है, यानी कि पूरी जो पृथ्वी होती है वो एक तरल जो गर्म पदार्थ से युक्त होती है जिसे जो है हम बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में पृथ्वी बिल्कुल गर्म होती है और बिल्कुल तरल युक्त पदार्थ से बनी होती है तो वो धीरे धीरे जब रोटेशन करती है यानी कि वो घूमना जब शुरू कर देती हैं पृथ्वी, जब जैसे ही सूर्य से अलग होती है तो वो अपनी स्पीड को बरकरार रखते हुए जब घूमती रहती हैं तो समय रहते यानी कि धीरे धीरे जो है निरंतर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब रोटेशन करती है पृथ्वी तो उसका जो वातावरण है वो भी निर्मित होने लगता है और जो गर्म था हमारी पृथ्वी जब उस समय गर्म थी तो वो धीरे धीरे जो है ठंडी होने लगती है। तो जो मैग्मा होता है दोस्तों, अभी भी आप देखेंगे तो मैग्मा अभी भी हमारे धरातल के अंदर यानी कि पृथ्वी के धरातल में मौजूद हैं। जहाँ पर भी आप अगर मान लीजिए किसी भी धरातल पर खड़े हैं तो उसके काफ़ी अंदर गहराई में अभी भी वर्तमान में मैग्मा है। जो ज्वालामुखी से निकलता है तो उसे हम मुख से जो निकलता है उसे हम लावा बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई सबसे पहले बात कि जब हमारी पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं तो जैसे ही पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो मैग्मा के ऊपर एक परत का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं आग्नेय शेल। तो ये आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं कि जब पृथ्वी की जो मैग्मा के द्वारा जब ठंडी होना स्टार्ट होती है तो सबसे फर्स्ट बार पृथ्वी पर जो एक निर्मित चट्टान बनी वो कौन सी बनी, आग्नेय चट्टान बनी। तो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे पृथ्वी जो है वो ठंडी होने लगी। अब यहाँ पर क्या होने लगा कि फिर धीरे धीरे जब पृथ्वी का वातावरण बनने लगा, फिर पृथ्वी के विभिन्न कारक जैसे कि जल वायु, तो इनके कारण क्या होने लगा दोस्तों कि पृथ्वी पर जो आग्नेय शेल बन चुकी थी इस आग्नेय शेल का जो है परिवर्तन होने लगा। किस प्रकार से कि जो पूरी पृथ्वी थी उस पर तो आग्नेय चट्टान का जो है रूप था पहले स्टार्टिंग में जैसे ही ये ठंडी हुई, तो यहाँ पर क्या होने लगा कि आग्नेय चट्टान जो थी वो अब वायु या विभिन्न जो कारक होते हैं पृथ्वी पर उनके कारण क्या होने लगा उसका अपक्षय होने लगा, अपरदन होने लगा। अब यह अपरदन का मतलब क्या होता है कि जो चट्टाने होती है उनका जो पार्ट्स होते हैं यानी कि जो उनको छोटे छोटे जो टुकड़े हो जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो जब वायु या विभिन्न जो कारक हैं पृथ्वी के प्रकृति के उनकी वजह से जो आग्नेय शेल थी उनके जो है टुकड़े होने लगे और अपरदन उसका निरंतर होने लगा। तो जो आग्नेय चट्टानों के टुकड़े हुए और उनके बाद जो है उनका निक्षेपण हुआ। ठीक है, तो दोस्तों जब आग्नेय चट्टानों के जो टुकड़े थे उनका अपरदन होने के बाद निक्षेपण हुआ तो वो एक जगह जो है निक्षेपण के कारण एक जगह जब वो जमने लगे तो फिर दूसरी परत का निर्माण हुआ, अवसादी शेल। ठीक है, अब अवसादी शेल को यहाँ पर आपको समझना होगा दोस्तों कि इन तीन टाइप्स में हमने चट्टानों को डिवाइड किया। पृथ्वी के निर्माण के समय फर्स्ट चट्टान बनी आग्नेय शेल ठंडी होने के कारण, तो उसे जो है हम प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, और जब आग्नेय चट्टान का भी अपरदन और निक्षेपण हुआ तो उसके कारण जो है कौन सी चट्टान बनी, तो अवसादी चट्टान बनी। ठीक है, अब यहाँ पर समझना होगा दोस्तों कि जो आग्नेय चट्टान होती है वो चूंकि स्टार्टिंग में बनी जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उसमें जो है वो एक तो गर्म मैग्मा के कारण बनी थी
तो वहां पर क्या है कि उस समय ना तो जीवों की उत्पत्ति थी, ना ही जो है वो गर्म होने की वजह से उसमें कोई जीव जो है उत्पन्न हो पाते। इसलिए जो आग्नेय चट्टान होती है उसमें जीवाशेष का यानी कि जीवों के अवशेष का जो है अभाव पाया जाता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई जीव का अवशेष नहीं मिलता है। जब सेकेंड नंबर पर हमने यहाँ पर चर्चा की कि औषधि सेल का निर्माण आग्नेय चट्टान से निर्मित हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि प्रकृति में जो चेंजेस आने लगे, या फिर हम कहें कि विभिन्न कारकों के माध्यम से जब चट्टानों में परिवर्तन होने लगा तो जीवों की उत्पत्ति भी पृथ्वी पर होने लगी, और उन्हीं जीवों के अवशेष जो है इन परिवर्तित चट्टानों में मौजूद पाए जाने लगे। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो अवसादी जो चट्टाने होती हैं, अवसादी शेल, इसमें आपको जीवाशेष जो है मिल जाएंगे, यानी कि जीवों के अवशेष आपको अवसादी चट्टानों में मिल जाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो आग्नेय चट्टाने होती हैं वो उसका उदाहरण आप ले सकते हैं कि जैसे कि ग्रेनाइट चट्टान, और जब आप अवसादी चट्टानों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको शायद कोयला जो होते हैं अवसादी, उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये जो शेल चक्र है यानी किस प्रकार से इसका चक्र चलता है, तो या तो जो आग्नेय शेल है वो अपक्षय अपरदन के कारण उसके बाद अवसादी शेल में परिवर्तन हो सकती है, या फिर वो आग्नेय शेल जो है डायरेक्ट क्या हो सकती है कायांत्रित शेल में भी कन्वर्ट हो सकती है। अब यहाँ पर आपको फिर से समझना होगा दोस्तों कि जो कायांत्रित शेल है ये क्या है, तो अवसादी शेल के बाद या तो वो डायरेक्टली तीसरे फॉर्म में चली जाए, यानी कि कुछ नई प्रकार की चट्टान जैसे कि आप संगमरमर ले लेंगे तो वहाँ पर वो बिल्कुल एक नई जो है चट्टान होती है, जिसे जो है आप समझ सकते हैं कि संगमरमर तो आपने देखा भी होगा, और यहाँ पर क्या होता है कि या तो आग्नेय शेल से डायरेक्ट वो कन्वर्ट हो सकती हैं कायंत्री शेल में, या फिर वो चेंज हो जाए अवसादी शेल में। ठीक है, तो या तो फिर अवसादी से कायंत्रित में भी जो है ये चट्टानें परिवर्तित हो सकती हैं। ठीक है, चूंकि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अवसादी शेल है कोई भी और वो धीरे धीरे प्रकृति के अनुरूप जो है चेंजेस करने लगी, तो वो चेंज हो जाती हैं कायंत्रित शेल में। फिर अगर मान लीजिए कि ये तीनों फॉर्म आप समझ गए हैं, तो जो कायंत्रित शेल है वो अगर मान लीजिए किसी कारण से जो पृथ्वी के विभिन्न कारक हैं उनकी वजह से अगर मान लीजिए उसका जो है गलन हो जाता है, जैसे कि ताप और दाब के कारण, तो वो चट्टाने क्या हो जाती है गल जाती है, तो वो गल जो कायंत्रित शेल है वो गलने के बाद जो है क्या बन सकती है वापस मैग्मा भी बन सकती है, और फिर वापस इसी प्रकार से जो है ये पूरा जो चक्र भी चल सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर मैं सिर्फ नॉर्मली निष्कर्ष के रूप में यही बताना चाहता हूँ कि जियोग्राफी के अकॉर्डिंग ये जो पूरी पृथ्वी पर तीन चट्टानें पाई जाती हैं, और तीनों का जो है निर्माण इस क्रम में होता है, चाहे वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, परंतु वो फर्क पड़ता है तब जब कि उस पर किस प्रकार से जो है प्रकृति जो है इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ बेसिक्स जानकारी होगी चट्टानों की। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय चट्टानों का हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो भारतीय चट्टानों का जो वर्गीकरण है वो जियोग्राफी के अकॉर्डिंग चार समूह में इसको बांटा गया है, आर्कियन समूह की चट्टाने, ठीक है, पुराण समूह की चट्टाने, और द्रवीयन समूह की चट्टाने, और आर्यन समूह की चट्टाने, ये चार समूह में इसको बांटा गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्कियन समूह की जो चट्टाने हैं इसमें आती हैं आर्कियन क्रम की चट्टाने, और दूसरी होती हैं धारवाड़ की चट्टाने। फिर पुराण समूह में आप देखेंगे तो मिलेगी आपको कुडप्पा क्रम की चट्टाने और विंध्यन क्रम की चट्टाने। द्रव्यण समूह की बात करें तो दोस्तों जो भारत का दक्षिण हिस्सा है प्रायद्वीपी भारत का, उसमें आपको द्रव्यण समूह की चट्टाने मिल जाएगी। इसके बाद है आर्यन समूह की चट्टाने, तो इसमें रखा गया है गोंडवाना चट्टानों को, दक्कन ट्रेप्स को, टर्शियरी चट्टानों को, और क्वार्टरनरी चट्टानों को। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई कुछ बेसिक्स जानकारी, अब हम आते हैं थ्योरी पर। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि थ्योरी पर, तो भारत की भूगर्भिक जो संरचना है, ठीक है, यानी कि जो भारत की पृथ्वी का निर्माण हुआ, यानी कि जो भारत का भूभाग है उसकी जो निर्माण हुआ है वो प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानों से यहाँ पर निर्माण हुआ है। दोनों चट्टानें हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। एक और जब हम देखें तो प्रायद्वीपी जो भारत है में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे प्रायद्वीपी भारत कौन सा, तो जो दक्षिण भारत का समुद्र तटीय जो इलाका है उसको हम प्रायद्वीपी भारत बोलते हैं, और इसमें जो है आपको मिल जाएगी आर्कियन युग की सबसे पुरानी चट्टानें, जो अभी तक पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी मानी जाती हैं। तो दूसरी ओर जो है मैदानी भागों में क्वार्टरनी युग की जो है नवीनतम पदार्थ चट्टानों की बहुलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि दोस्तों हमारे यहाँ पे प्राचीनतम चट्टानें भी हैं जो दक्षिण भारत में आपको मिलेगी आर्कियन युग की, और नवीनतम जो चट्टानों की जब हम बात करें जो क्वार्टरनी युग में निर्मित हुई है तो वो भी आपको मैदानी इलाकों में मिल जाएगी, और
जैसे कि जो हिमालय पर्वत की बात करें तो वो बिल्कुल जो है नवीनतम जो है चट्टाने ही बन रही हैं दोस्तों, वो निरंतर अपने कार्य को करती जा रही हैं प्रकृति के माध्यम से। इसके बाद आगे देखें तो जो डेल्टा क्षेत्र एवं जो तटीय भागों में नवीनतम चट्टानों का निर्माण निरंतर जारी है, यानी कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है और जो तटीय इलाके हैं हमारे, वहाँ पर जो है समुद्र के जो तटछट जो है उनकी जो क्रिया होती है समुद्र की, उसके कारण जो है चट्टानों में काट छाट होती रहती है, इसलिए जो है वहाँ पर भी नवीनतम जो है चट्टाने निरंतर बन रही हैं। अब हम आते हैं दोस्तों कि चट्टाने यानी कि चट्टान एक क्या होती है। तो भूपर पट्टी पर जो ठोस पिंड के रूप में दिखाई देने वाले किसी भी प्राकृतिक निक्षेप को चट्टान कहा जाता है, यानी कि पूरी जो भूपर पट्टी है पृथ्वी, इसकी जो भूपर पट्टी पर मान लीजिए कोई भी अगर ठोस पिंड है, ठोस पदार्थ हैं, तो आपने चित्र में देखा होगा कि एक ठोस पदार्थ जिसे हमने चट्टान के रूप में बताया है, तो उसको चट्टान कब कहा जाता है, जब प्राकृतिक निक्षेप उसमें होता है, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो है कुछ निक्षेप किया जाता है, यानी कि उसका जो है टूट फूट के माध्यम से जब वो एक समूह बनाकर जो है एक पिंड बन जाती है, तो उसे हम जो है चट्टान कहते हैं। आई होप आपने जो है चट्टान की इमेज आपके माइंड में होगी। ठीक है, इनका निर्माण दो प्रकार से होता है। तो चट्टाने किस प्रकार से, तो दो प्रकार से निर्मित होती हैं, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों में भूकंप या ज्वालामुखी, तो इनके माध्यम से क्या होता है दोस्तों, जो चट्टाने होती है जैसे कि मैंने आपको बताया कि आग्नेय चट्टाने या फिर अवसादी चट्टाने, तो इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण। जैसे कि मान लीजिए ज्वालामुखी से अगर ज्वाला जो लावा है वो पृथ्वी पर बाहर आता है, तो वो अपनी जो प्रकृति के कारक हैं जैसे कि वायु या फिर जल, तो इनकी वजह से जब ठंडी होती है वो लावा, तो वो क्या हो जाता है, एक ठोस रूप ले लेता है, वो एक चट्टान बन जाता है। इसी प्रकार से सेकेंड जो प्रकार है, मतलब यहाँ पर कि किस प्रकार से, तो आदि चट्टानों के रूपांतरण या विखंडन से पुनः जम जाने के कारण। आदि चट्टाने यानी कि जो बहुत प्राचीन चट्टाने हैं, अगर मान लीजिए वो कन्वर्ट होती है, रूपांतरित होती हैं, परिवर्तित होती हैं, तो उसके कारण जो वापस उनके विखंडन यानी कि टूट फूट से और उनके पुनः जमने से यानी कि निक्षेपण के कारण जो है कोई चट्टान बनती है। तो यहाँ पर दो प्रकार से इन चट्टानों का निर्माण हो जाता है। अब हम आते हैं दोस्तों कि भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण, जिसकी हमने अभी चर्चा की है। तो भारत में पृथ्वी के सभी भूवैज्ञानिक कालों में निर्मित चट्टाने पाई जाती हैं, यानी कि हमारे भारत में जितनी भी चट्टाने हैं पृथ्वी पर, वो लगभग सभी जो है पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली चट्टानों को उनके निर्माण क्रम यानी कि प्राचीन से लेकर नवीन तक, इसके आधार पर क्रमशः आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रेप, टर्शरी व क्वाटरनी क्रम की चट्टानों में वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राचीन से लेकर नवीन तक जितनी भी चट्टानें वो हमारे भारत में पाई जाती हैं, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ये सब जो है बढ़ता क्रम आपको मिलेगा, यानी कि सबसे पुरानी जो है चट्टान वो आर्कियन क्रम की कहलाती हैं, उसके बाद आर्कियन क्रम की जो चट्टान है उसका जब निक्षेपण होता है, अपरदन होता है, तो उसके बाद क्या बनती है, धारवाड़ चट्टान बनती है, फिर धारवाड़ के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी, फिर इसके बाद विंध्यन, फिर गोंडवाना, इसके बाद धीरे धीरे करके जो है हमारी अभी वर्तमान की जो आप चट्टानें देखते हैं, तो इनका जो है रूप आपके सामने जो है दिख जाता है। अब हम आगे आते हैं दोस्तों कि भारत में पृथ्वी के सभी भूवैज्ञानिक कालों में निर्मित चट्टाने पाई जाती हैं, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, इसलिए जो है भारत की भूवैज्ञानिक संरचना विविधतापूर्ण है। क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे जैसे कि भाषाई आधार पर भी आप देखते हैं, तो आपका जो लोकल एरिया है वहाँ पर भी आपको कई जो है बोलियाँ मिल जाएगी, फिर थोड़ी सी जो है आपके 150 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में भी है जो बोली या भाषा जो है चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से भौगोलिक दृष्टिकोण से भी जो हमारे भारत में काफ़ी विविधता पाई जाती है। कैसे, जैसे कि आप पश्चिम के इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर जो है पूरा थार का रेगिस्तान मिल जाएगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो नीचे दक्षिण में जो है दक्कन ट्रेप का इलाका है, यानी कि लावा निर्मित जो है पठार हैं, फिर मध्य प्रदेश में भी आप आएंगे तो यहाँ पर पहाड़ भी हैं तो पठार भी हैं, उसके बाद नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पर पर्वत भी हैं, फिर इसी प्रकार से आप पूर्व में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है भौगोलिक जो है विषमता आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो भूवैज्ञानिक संरचना है उसके अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी विविधता आपको देखने को मिलती है। चट्टानों की विविधता के कारण ही भारत में विविध तरह के खनिज पाए जाते हैं, तो इन चट्टानों में ही दोस्तों खनिज उत्पन्न होते हैं, और भूवैज्ञानिक इतिहास के आधार पर भारत में
पाई जाने वाली चट्टानों को उनके निर्माण क्रम में प्राचीन से नवीन के अनुसार इनको इस क्रम में डाला गया है। आर्कियन, धारवाड़, कड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, ट्रेप, टर्शरी व क्वार्टरनी क्रम की चट्टानों में वर्गीकृत किया। तो ये चट्टानों का क्रम आपको बढ़ते क्रम के अनुसार याद होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अब फर्स्ट वन बाय वन कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, इनके बारे में जानते हैं थ्योरी। तो ये सर्वाधिक प्राचीन और प्राथमिक आग्नेय चट्टान है। तो आग्नेय चट्टान आप समझ गए होंगे, तो सबसे पहले जो बनती है वो आग्नेय चट्टान होती हैं, और आर्कियन जो क्रम की चट्टानें हैं दोस्तों, ये सबसे पहले जो है यहाँ पर निर्मित हुई थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सबसे प्राचीन भी है ये और आग्नेय चट्टान भी ये कहलाती हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो है तप्त व पिघली हुई जो है पृथ्वी के ठंडे होने के दौरान हुआ था। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो पृथ्वी हमारी जो निर्माण के समय जो तप्त थी, गर्म थी और पिघली हुई अवस्था यानी मैग्मा में थी, तो जैसे जैसे उस पर असर होने लगा रोटेशन का, तो उसकी वजह से जो पृथ्वी ठंडी होने लगी, तो वहाँ पर जो स्टार्टिंग में कौन सी चट्टान निर्मित हुई, तो आग्नेय ही हुई थी। इसके बाद वर्तमान में अत्यधिक रूपांतरण के कारण इन चट्टानों का जो है मूल रूप नष्ट हो चुका है। चूँकि आप देखेंगे कि काफ़ी समय हो गया है दोस्तों हमारी पृथ्वी को के निर्माण को, तो जब धीरे धीरे इतने बड़े जो है काल या फिर हम कहें कि वर्ष जो है बीत चुके हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आग्नेय चट्टानें हैं वो धीरे धीरे या तो अवसादी चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती है या फिर कायंत्रित चट्टानों में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अभी जो स्टार्टिंग की जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इनका जो है मूल रूप ही अभी तक नष्ट हो चुका है, और इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है क्योंकि ये एक आग्नेय चट्टानें हैं। आगे देखें दोस्तों कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं मुख्य रूप से कहाँ पर मिलेगी, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड में आपको ये मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको थ्योरी में समझ में नहीं आया तो हम थोड़ा सा मैप की ओर रुख करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों कि हम बात कर रहे हैं इन विभिन्न चट्टानों की भारत के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं वो, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो किस प्रकार से आपको मिल जाएगी। तो ये जितनी भी है ये नीचे नॉर्थ, दक्षिण में, साउथ में भारत के, यहाँ पर आपको दिखेगी ये है सभी जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये पूरी यहाँ तक जो है पूरी विस्तृत है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी चट्टानें मिल जाती हैं, तो ये हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है। इसी प्रकार से आप दूसरी और चट्टानें भी यहाँ पर देख लीजिए ताकि आपका थोड़ा मैपिंग क्लियर हो जाए। जैसे कि विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये मुख्यतः एमपी में आपको मिल जाएगी क्योंकि विंध्यन जो शैली है, विंध्यन पर्वतमाला, तो ये हमारे यहाँ पर पड़ती है, तो ये पूरे एरिया में यहाँ पर आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें मिल जाएगी। फिर इसके बाद जो दक्कन ट्रेप की चट्टानें हैं ये वाली, ये आपको यहाँ पर मुख्यतः जो महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी इस वाले इलाके में आपको मिल जाएगी। फिर इसके बाद जो है ये ब्लैक कलर में आपको मिलेगी ये कुडप्पा क्रम की चट्टानें, यहाँ पर जो छोटा नागपुर का एरिया है, फिर थोड़ा सा तेलंगाना का पठार, फिर यहाँ पर थोड़ा सा, तो ये ब्लैक ब्लैक जो एरिया है दोस्तों ये क्या है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो अब वापस हम थ्योरी पे देखते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करें कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है, अभी हमने आर्कियन क्रम की चट्टानें पढ़ी, तो इन चट्टानों का निर्माण जो है आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं इनके अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। यानी कि जिस स्टार्टिंग में जब आर्कियन क्रम की चट्टानें बन गई दोस्तों, तब उनका जो है अपरदन हुआ, यानी कि जो चट्टानें थी आर्कियन क्रम की वो क्या है, टूटी और टूट फूट के कारण जो है बाद जब वो एक जगह जो है जम गई, निक्षेपण उनका हो गया, तो उस अपरदन व निक्षेपण के बाद जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें उनसे निर्मित हुई, इसलिए ये क्या कहलाई, अवसादी चट्टानें। क्योंकि अगर अपरदन या निक्षेपण होने के बाद अगर कोई चट्टान बनेगी तो वो कौन सी बन जाएगी, अवसादी चट्टान ही बनेगी, मैंने आपको बता दिया। ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें कौन सी, तो अवसादी धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं भारत में। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोस्तों ये जब यहाँ पर जीवाश्म यानी कि जीवों के अवशेष यहाँ पर क्यों नगण्य हैं, क्योंकि क्या है कि जब स्टार्टिंग में ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी थी तो उस समय हमारे भारत हमारे जो पृथ्वी की बात करें तो वो स्टार्टिंग में निर्मित ही हो रही थी, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसके दो कारण माने जाते हैं, या तो उस समय तक जो है जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई मैंने जैसा बताया, या फिर लंबा समय जो है बीत जाने के कारण जो है इन चट्टानों के जीवाश्म नष्ट हो गए, यानी कि क्या हुआ कि काफ़ी समय हो गया है इन चट्टानों को निर्मित हुए तो वो जीवाश्म नष्ट हो गए, ठीक है। आगे बढ़ें दोस्तों कि अरावली जो पर्वतमाला है, इसका नाम आपने सुना ही होगा, राजस्थान में है अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान से लगाकर जो दिल्ली की हमारी राष्ट्रपति भवन है रायसीना हिल्स वहाँ तक फैली हुई है, जो कि विश्व के सबसे प्राचीन जो है वलित पर्वतों में से एक है, ये तो आप नोट कर सकते हैं।
इसका निर्माण जो है इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो अरावली जो पर्वतमाला की जो चट्टाने हैं वो कौन से क्रम की चट्टाने हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने होती हैं। इस क्रम की जो चट्टाने हैं वो आपको कहाँ मिलेगी, तो कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिले में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टाने। तो आपने को मैंने बताया कि जैसे कि कर्नाटक का जो इलाका है वहाँ पर जो धारवाड़ और शिमोगा जिला है वहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टाने मिल जाएगी। इसके अलावा भी ये चट्टाने आपको कावेरी नदी घाटी जो दक्षिण में है तमिलनाडु का केरल के पास, उसके बाद बेल्लारी जिला, उसके बाद जबलपुर की सोनसर पर्वतमाला, ये आपको एमपी में जो है छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के ऊपर नॉर्थ में आपको जो है मिल जाएगी दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टाने, ये एमपी के संदर्भ में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर आगे हैं कि नागपुर और गुजरात की जो चंपानेर पर्वतमाला है वहाँ पर भी आपको धारवाड़ क्रम की चट्टाने मिल जाएगी। इसके बाद हैं कि उत्तर भारत में धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं वो हिमालय की लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, हुमायूं श्रेणी में भी पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने नीचे से लगाकर आपको ऊपर नॉर्थ में हिमालय के जो ये क्षेत्र हैं लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, हुमायूं श्रेणी, यहाँ पर भी आपको धारवाड़ क्रम की चट्टाने मिल जाएगी। इसके बाद है कि धारवाड़ क्रम की चट्टाने जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश जो धात्विक खनिज इसी क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो खनिज होते हैं धातु वाले वो इसी में जो है हमको मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट चट्टानों की बात करें तो कुडप्पा क्रम की चट्टाने, ठीक है, ये अवसादी चट्टाने हैं क्योंकि इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की जो चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की जैसे ही चट्टानों का अपरदन व निक्षेपण हुआ तो उसके बाद जो थर्ड क्रम की चट्टाने बनी वो कौन सी बनी, तो कुडप्पा क्रम की चट्टाने बनी है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में एक इसी क्रम की जो चट्टाने अर्धवृत्ताकार क्षेत्र में आपको विस्तृत पाई जाती हैं, तो आप वहाँ पर आपको ये जो चट्टाने हैं वो मिल जाएगी, कुडप्पा क्रम की श्रेणी की चट्टाने आंध्र प्रदेश में, इसलिए इनका नाम जो है क्या रखा गया, कुडप्पा, क्योंकि आंध्र प्रदेश का एक जो है जिला है कुडप्पा, उसके नाम पर ही इसका कुडप्पा क्रम की चट्टाने बोला जाता है। ये चट्टाने जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये सभी जो है खनिज इस क्रम की चट्टानों में हमें मिल जाते हैं। इसके बाद ये जो कडप्पा चट्टाने हैं वो राजस्थान में भी पाई जाती हैं, तो ये तो आप नोट कर सकते हैं। फिर भी आगे आए दोस्तों कि नेक्स्ट चट्टान की विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं, तो ये अवसादी चट्टाने। अब दोस्तों आप यहाँ पर नोट करेंगे कि सबसे स्टार्टिंग क्रम की चट्टान थी वो आग्नेय चट्टान थी, कौन सी, आर्कियन चट्टान। उसके बाद हमने पढ़ी धारवाड़, तो वो जैसे ही आग्नेय अपरदन और निक्षेपण के माध्यम से अवसादी में कन्वर्ट हो गई, तो उसके बाद जितनी भी चट्टाने पढ़ रहे हैं हम कौन सी पढ़ रहे हैं, तो अभी अवसादी क्रम की चट्टाने ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि आग्नेय की चट्टाने क्या है और अवसादी चट्टाने हम किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें ये अवसादी हैं क्योंकि इनका निर्माण क्या हुआ है, कुडप्पा चट्टानों के बाद अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। तो एक चट्टान के अपरदन और निक्षेपण के क्रम के बाद ही जो है उन पर दूसरी चट्टानों का निर्माण हुआ है। इन चट्टानों में जो है जीवाश्मों के भी प्रमाण पाए जाते हैं, क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया है दोस्तों तो पृथ्वी के निर्माण के क्रम को, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है कि जीवाश्म यानी कि जीवों के अवशेष अब इन चट्टानों में मिलने लग जाते हैं। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो मालवा पठार में और सोन घाटी, बुंदेलखंड आदि प्रदेशों में पाई जाती है। तो आपको पता होगा कि जो विंध्याचल हमारी पर्वत श्रेणी है उसके क्रम के अनुसार ही आपको यहाँ पर पूरी विंध्यन क्रम की चट्टानें आपको मध्य प्रदेश और थोड़ा सा यूपी का जो जिला है उसमें आपको मिल जाएगी। इस बात की आगे बात करें कि इस संरचना की जो चट्टानों का उपयोग इमारतों व घरों के निर्माण में किया जाता है, लाल किला और जामा मस्जिद और सांची स्तूप जैसी कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण इस संरचना में पाई जाने वाले लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों से हुआ है। तो जो लाल किला है दिल्ली और जामा मस्जिद जो दिल्ली है, इसके बाद सांची स्तूप जो हमारे एमबी में आता है, तो ये सभी का निर्माण जो है किससे हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों से हुआ है। इसके अलावा जो है चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि चट्टानें भी जो इस संरचना में पाई जाती हैं। तो ये सभी खनिज जो मिलते हैं हमें वो कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। और मध्य प्रदेश की जो पन्ना खाने और कर्नाटक की जो गोलकुंडा की खाने हैं जहाँ से हमें हीरा प्राप्त होता है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही स्थित हैं। तो ये आप याद रखिए कि कौन सी चट्टानों के क्रम से हमें जो क्या मिलता है, तो हीरा मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट चट्टान की बात करें दोस्तों कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इन चट्टानों का जो निर्माण है वो कार्बोनिक फेरस से जुरासिक काल के बीच हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होगा कि दोस्तों कार्बोनिक फेरस और जुरासिक काल, तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि हमारी पृथ्वी जब स्टार्टिंग में निर्मित हुई तो उसके बाद जो है यहाँ पर नेचुरल रूप से काफ़ी बदलाव आया, जुरासिक काल भी आया जिसमें डायनासोर्स हुआ करते थे, उससे पहले जो है
हमारे यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति नहीं थी। तो ये जो पूरा जो टाइम पीरियड था दोस्तों, हमारे मानव की उत्पत्ति के लगातार जो है स्टार्टिंग पृथ्वी के निर्माण से लगाकर जो है मानव की उत्पत्ति तक जो पूरा टाइम पीरियड था, इसको हमने जियोग्राफी के अकॉर्डिंग काफ़ी जो है कालों में विभक्त किया है, कालों को कल्प में विभक्त किया है और कई वर्षों से मिलकर जो है कालों में यहाँ पर बनाया है। तो आपको यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे एक कई दिनों को मिलाकर जो है हम मंथ बोलते हैं, फिर कई जैसे कि 12 जो महीने होते हैं उनसे मिलकर एक साल बनता है, और फिर कई सालों से मिलकर जो है क्या बनता है तो काल निर्मित होते हैं, फिर कई कालों से बनकर जो है यहाँ पर कल्प बनते हैं, और फिर कल्प से भी आगे जो है युगों का जो है निर्माण होता है। तो ये पूरी जो है एक प्रोसेस थी दोस्तों, जिसमें पृथ्वी के निर्माण में मानव की उत्पत्ति, तो ये सभी जो है काल हैं। तो इसमें हमने बात की कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो इन चट्टानों का निर्माण कार्बोनिक फेरस काल से लगाकर जो है जुरासिक काल के इस टाइम पीरियड के बीच हुई है। फिर इसके बाद बात करें कि गोंडवाना शब्द की जो उत्पत्ति है वो मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के नाम पर हुई है। तो आपको जो गढ़मंडला का इलाका है दोस्तों, वो पहले क्या है गोंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, तो उसी के नाम पर इसको जो है गोंडवाना क्रम की चट्टान बोला जाता है, क्योंकि अधिकतर जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है वो हमारे एमपी के पूर्वी जो है दक्षिण पूर्वी इलाके वहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर भारत का जो अधिकांश कोयला है वो गोंडवाना क्रम की जो है चट्टानों में ही आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंगरौली, फिर शहडोल, इस इलाके में ज़्यादा आपको कोयला की खदानें और चट्टानें आपको मिल जाएगी। इसके बाद है कि कार्बोनिक फेरस काल, ठीक है, इसके दौरान जो है प्रायद्वीपी भारत में अनेक दरारों का निर्माण हुआ है। इन दरारों के सहारे भूमि के धंसने से बेसिन नुमा गर्तों का निर्माण हुआ है। तो बेसिन नुमा क्या है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो घरों में बेसिन होते हैं हाथ धोने के, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रायद्वीपी भारत था तो उनमें कार्बोनिक फेरस काल के दौरान जो है अनेक दरारें निर्मित हुई प्रकृति के प्रभाव के कारण। तो वहाँ पर जो है जो दरारें निर्मित हुई उसमें जो है भूमि के धंसने से गर्तों का निर्माण हुआ। कौन सी गर्तों का निर्माण, तो बेसिन नुमा, यानी कि जो हाथ की धोने का बेसिन होता है उसी प्रकार से जो है उसकी आकृति होती है, तो बेसिन नुमा गर्तों का निर्माण इस प्रकार से हो जाता है। इन्हीं गर्तों में तत्कालीन जो है वनस्पति के दबने से और उस पर हुई ताप व दाब की क्रिया से कोयले का निर्माण हुआ है। ये आप समझ जाएंगे कि कोयले का निर्माण आप कैसे हुआ, तो इन जो गर्त बने बेसिन नुमा इसमें जो वनस्पति दब गई या फिर उन पर जो है टेम्परेचर का प्रेशर पड़ा, फिर वहाँ पर जो प्रकृति के प्रभाव हुए, तो उसकी वजह से ही जो है क्या हुआ यहाँ पर इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या निर्मित हुआ, तो कोयला निर्मित हुआ है। वर्तमान में कोयला जो है भारत की दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी व वर्धा आदि नदियाँ घाटियों में आपको ये पाया जाता है। अब नेक्स्ट चट्टान की बात करें तो दोस्तों दक्कन ट्रेप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मेसोजोइक युग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई काल हुए, कई कल्प बने, फिर मेसोजोइक युग, तो उसी में एक यह था दोस्तों, इस मेसोजोइक युग के अंतिम समय में अर्थात जो क्रिटेशियस काल था इसमें प्रायद्वीपी भारत जो दक्षिण का इलाका है इसमें हुई दरारी ज्वालामुखी क्रिया से सीढ़ी नुमा दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ है। तो वहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, जो क्रिटेशियस कल्प था जब हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो उस समय क्या हुआ था कि एक ज्वालामुखी क्रिया की वजह से एक विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से जो लावा था वो मालवा, मालवा क्या कहें हम, जो मालवा से लगाकर जो है महाराष्ट्र का जो इलाका है जो मुख्यतः जो है आपको पठार के रूप में मिलेगा, तो उस पर जो है ज्वालामुखी जो है क्रिया यानी कि लावा निकलने की वजह से फिर वो क्या हुआ कि ठंडा होने की वजह से वहाँ पर एक दक्कन ट्रेप का निर्माण हो गया। तो ये क्या पूरी एक प्रोसेस थी जिसकी वजह से इस दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ इस क्रिटेशियस कल्प में, ठीक है। इसमें बेसाल्टी जो चट्टानें पाई जाती हैं जो कि बहुत कठोर होती हैं, तो ये बेसाल्टी चट्टानें इसमें पाई जाती हैं, और दीर्घकाल में इनके निक्षेपण से काली या रेगुर मृदा का निर्माण हुआ। तो काली या रेगुर मृदा का निर्माण किससे हुआ, तो बेसाल्टी चट्टान और जो लावा निर्मित जो पठार हैं हमारा मालवा से लगाकर जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक तक जो फैला हुआ है दोस्तों, उसमें मुख्यतः क्या होता है कि जो लावा के मैदान होते हैं उसी से जो है हमारी काली मिट्टी का भी निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से जो दक्कन ट्रेप निर्मित हुआ उसके बाद जो है बेसाल्टी चट्टाने बनी और यहाँ पर जो है इस काली मृदा का निर्माण जो हुआ जिसे हम रेगुर मृदा भी बोलते हैं। आगे देखें कि यह संरचना मुख्य रूप से कहाँ मिलेगी, आपको महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। तो ये पूरा इलाका है, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो दक्कन ट्रेप का इलाका है, यहाँ पर आप समझ जाएंगे इससे कि ये जो दक्कन ट्रेप का था ये वाली लाइनिंग, तो
तो यहाँ पर पूरा ये जो इलाका है, पूरा ये जो है पूरा इतना क्षेत्र है, ये पूरा दक्कन ट्रेप है और ये पूरा लावा निर्मित मैदान है दोस्तों। और जैसे कि हम मंदसौर के इलाके में रहते हैं, तो ये जो पूरा मालवा का एरिया भी, ये भी क्या है, लावा निर्मित ही है। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी जो है काली मृदा का निर्माण जो है इसके बाद ही हुआ है। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। तो हम चलते हैं थ्योरी के ऊपर। फिर नेक्स्ट जब हम देखें कि अगली चट्टाने हैं, तो टर्शियर क्रम की चट्टाने, टर्शियरी क्रम की चट्टाने। अब टर्शियरी कल्प को काल क्रम के अनुसार चार भागों में बांटा गया है। तो क्या होता है दोस्तों, जो कल्प होते हैं वो कई कालों से मिलाकर बने होते हैं। तो जो टर्शरी कल्प था, इसको जियोग्राफी के अकॉर्डिंग जो है चार कालों में डिवाइड किया गया है। एक तो है एओसीन, फिर ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, इसमें विभक्त किया गया है। फिर आगे है कि इन चट्टानों का जो निर्माण है, जो टर्शरी क्रम की चट्टाने हैं, इनका निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो ईओसीन काल से लगाकर प्लायोसीन काल के दौरान हुआ है। और इस कल्प के दौरान हिमालय का निर्माण निम्नलिखित क्रम से हुआ। तो जो टर्शरी क्रम था दोस्तों, टर्शरी कल्प था, इसी के बाद यानी कि इसी के दौरान जो है दोस्तों हिमालय का भी निर्माण हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पर बस आप इतना याद रखिए कि जो टर्शरी कल्प था, इसी के दौरान जो है हिमालय का निर्माण निम्नलिखित रूप में हुआ है। जैसे कि वृहद हिमालय का जो निर्माण है वो ओलिगोसीन काल के दौरान हुआ है, लघु या मध्य हिमालय का जो निर्माण है मायोसीन काल के दौरान हुआ है, और इसके बाद शिवालिक हिमालय का निर्माण है वो प्लायोसीन काल के दौरान हुआ है। तो ये आप याद कर लीजिए दोस्तों, मैं कल की क्लास में इसमें आपसे क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, आगे हैं कि असम, गुजरात और राजस्थान से मिलने वाला जो खनिज तेल है वो ईओसीन और ओलिगोसीन काल की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। तो जो असम, गुजरात और राजस्थान का इलाका देखेंगे दोस्तों, तो वहीं से आपको जो है कच्चा तेल आपको मिलता है, जहाँ से जो रिफाइनरीज होती हैं वो आप देखेंगे कि गुजरात में और जो डिगबोई असम में पुरानी, सबसे पुरानी रिफाइनरीज हैं वो वहीं लगी हुई है। तो ये जो है सभी खनिज तेल का जो निर्माण कब हुआ था, तो ईओसीन और ओलिगोसीन जो काल की चट्टाने थी इनसे ही प्राप्त होता है। आगे है नेक्स्ट की क्वाटरनरी क्रम की चट्टान, ये सबसे नवीनतम है दोस्तों। तो ये चट्टाने आपको मिलेगी गंगा और सिंधु के मैदान में पाई जाती हैं। ये पूरा जो इलाका है, मैं आपको एक बार और मैप में बता देता हूँ, ये जो इलाका है एलुवियल का, यानी कि मैदानी इलाका है, जलोढ़ मैदान का, ये पूरा बृहद मैदान हम इसको बोलते हैं। तो ये जो पूरा इलाका है दोस्तों, यहाँ पर जो है क्या हुआ, जो क्वाटरनी क्रम था इसमें ये चट्टानों का निर्माण हुआ है गंगा और सिंधु के मैदान में। क्वाटरनी क्रम के युग को काल क्रम के अनुसार निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है। तो इस क्वाटरनी युग को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्लिस्टोसिन और होलोसिन काल में। ऊपरी एवं मध्य जो प्लिस्टोसिन काल है, इसमें पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, कौन सी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है, तो पुरानी का निर्माण हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बांगर के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं दोस्तों कि प्लिस्टोसिन के अंतिम समय से लेकर होलोसिन तक जिस नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण जारी रहा, उसे हम क्या बोलते हैं, खादर कहा जाता है। तो दोस्तों अक्सर जो है वन लाइन के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि बांगर जो है मिट्टी किसे बोला जाता है, या फिर खादर जो है किसे बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा, आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो बांगर, तो ये आप इस प्रकार से याद सकते हैं कि जो भंगार होता है वो अक्सर जो है पुराना ही होता है। तो जो पुरानी मिट्टी होती है उसको जो हम क्या बोलेंगे, भंगार बोलेंगे या बांगर बोलेंगे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या बोला जाता है, बांगर बोला जाता है, जिसका निर्माण कब हुआ था, तो ऊपरी और मध्य प्लिस्टोसिन काल में हुआ था। और जब आपको बांगर याद हो जाएगा दोस्तों, तो फिर आप खादर भी पहचान जाएंगे कि जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसको क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है, जिसका निर्माण प्लिस्टोसिन के अंतिम समय से लेकर होलोसिन तक हुआ है। आगे दोस्तों देखें कि कश्मीर की घाटी का निर्माण जो है कब हुआ है, तो प्लिस्टोसिन काल में ही हुआ है। तो ये अब हम आ गए हैं बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्म में। तो कश्मीर की घाटी का निर्माण कब हुआ है, प्लिस्टोसिन काल में हुआ है। और कश्मीर की घाटी का जो प्रारंभ में एक झील थी, ये मुख्य पॉइंट है। कश्मीर की जो घाटी थी स्टार्टिंग में क्या थी, वो एक झील थी, लेकिन इसमें लगातार क्या हुआ कि मलबे का जो निक्षेपित मलबा जो है उसमें जमता रहा, से जो मलबा जमता रहने से क्या हुआ कि यह घाटी जो है घाटी रूप में बदल गई। तो इसका जो है फॉर्म क्या चेंज हो गया, पहले ये एक झील थी कश्मीर की घाटी, और बाद में जो है यह क्या हो गई, मलबे के जमने से एक घाटी बन गई, जिसे क्या बोला जाता है, करेवा कहा जाता है। तो अभी लास्ट रिसेंटली जो MPPSC का प्री हुआ था दोस्तों, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कश्मीर की घाटी है उनको क्या बोला जाता है, तो करेवा घाटी जो है बोला जाता है। तो ये जो आपको नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल NCERT पर बेस्ड है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे
जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एमपीपीएससी की तैयारी की है, और उन्होंने अगर मान लीजिए लुसेंट से भी तैयारी की है, तो लुसेंट में ना तो आपको आज का टॉपिक मिलेगा, ना ही जो है अगर आप मान लीजिए कि वर्णवाल जो भूगोल की बुक होती है अगर उसको भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी आपको इस प्रकार से स्पेसिफाइड आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगी, 6 से 12 तक की जो 6 एनसीईआरटी होती हैं उसमें मिलेगी। तो ये उसी पर बेस्ड है, हम जो है नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट था। इसलिए आगे आते हैं दोस्तों, प्लेस्टोसिन काल के निक्षेपण थार मरुस्थल में भी पाए जाते हैं, तो ये थार रेगिस्तान की बात चल रही है। इसके बाद आते हैं कि कच्छ का जो रण है वो पूर्व में समुद्र का भाग था, लेकिन प्लेस्टोसिन व होलोसिन काल के दौरान जो है यह अवसादी निक्षोप से भर गया। तो कच्छ का रण कहाँ पर दोस्तों, हमारे भारत के पश्चिम में गुजरात राज्य है, उसके गुजरात के भी नॉर्थ में कच्छ का रण जो है आपको मिलेगा, जो पाकिस्तान से लगा हुआ है। और स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ये समुद्र का भाग था, परंतु वहां पर क्या हुआ है कि अवसादी निक्षेप यानी कि जो नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपण होते हैं, जो गाद होती हैं, वो क्या होते हैं, हो जाती है, जम जाती है, इसलिए वहां का जो इलाका है वो आपको दलदली रूप में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे वीडियो का एंड होता है। और अगर आप जो है को क्लास पसंद आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके लाइक करके जो है बता सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का धन्यवाद और शुभरात्रि।